Consider this GATE-2003 question. What it says? Consider the grammar given below. ये grammar given है. In the predictive parsing table capital M of the grammar, मतलब ये grammar के लिए जो predictive parsing table है, कहता the entries M S dash E and M S dash dollar respectively are. Means कि इसकी एक predictive parsing table जो L1 parsing table है वो construct करनी है और उसके बाद matrix की या table की ये दो entries इसमें कौन सी respective entries हैं A B C D ये चार option given. Okay, so first of all for this question compute the first and follow set. Okay, वो मैंने already compute कर दिया है. अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो मुझे ये पहली रो फिल करनी है. पहली रो फिल करनी है, क्या है नॉन टर्मिनल, कैपिटल एस. ओके, तो कैपिटल एस के फर्स्ट को कंसीडर करेंगे. क्या है आई. आई किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, कैपिटल एस जो डिराइव कर रहा हो, एस डिराइव्स आई ई टी एस ई एस डैश की वजह से. तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे S derives क्या I E T S E S dash. ओके, ये फिल कर देंगे यहां पर. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या I, ये जो I है किसी को S से derive होता हुआ कोई और production है जिसकी वजह से आ सकता है, the answer is no. ओके, and therefore come to A. S से derive होता हुआ कौन सा production है जो फर्स्ट में उसके ए आता है, तो एस डिराइव्स ए द ओनली पॉसिबिलिटी. ओके, तो आप क्या करेंगे, ए यहां पर है तो एस और ये ए यहां पर, इस जगह कुछ फिल करेंगे. क्या फिल करेंगे, जिस प्रोडक्शन की वजह से एस से डिराइव होता हुआ फर्स्ट में ए आया होगा और वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, एस डिराइव्स ए. ओके, चूंकि यहां एप्सिलॉन नहीं है इसलिए इसकी फॉलो की जो भी सेट, फॉलो सेट में जो भी एलिमेंट हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है. नाउ कम टू एस डैश, मतलब इसकी सेकेंड रो. सेकेंड रो भरना यहां नॉन टर्मिनल एस डैश है इसलिए एस डैश के फर्स्ट पे जाएंगे. क्या है ई. अब एस डैश से डिराइव होता हुआ कौन सा ऐसा प्रोडक्शन है जिसके फर्स्ट से ई निकलेगा, एस डैश से ई एस, केवल यही एक दिख रहा है एस डिराइव्स ई एस, इसी से निकल सकता है क्या ई. तो मैं क्या करूंगा, एस डैश और ई मतलब ये जगह, इस जगह पे क्या फिल करूंगा, जिस प्रोडक्शन की वजह से एस डैश के फर्स्ट में ई आया होगा. ओके, एस डैश डिराइव्स ई एस. ओके, ये मैंने फिल कर दिया. अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, और एप्सिलॉन लिखा हुआ है. एप्सिलॉन किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, एस डराइव्स एप्सिलॉन की वजह से ये एप्सिलॉन आया है. तो कहता है जब यहां एप्सिलॉन मिले तो क्या करना है आपको, फॉलो ऑफ एस डैश में जो भी कुछ है दैट इज डॉलर एंड ई, तो वहां पर क्या एंट्री फिल करनी है, जिस प्रोडक्शन की वजह से ये एप्सिलॉन आया है. तो एस डैश डराइव्स एप्सिलॉन की वजह से आया है तो हम क्या करेंगे, S derives means epsilon की वजह से आया है तो हम E और dollar, तो E में पहले यहां फिल करूंगा S dash derives epsilon और ये यहां पर S dash derives epsilon कहां, ये dollar में, तो यहां पर भी हम क्या फिल कर देंगे, ये ऐसे. ओके, नाउ फिल द थर्ड रो E. E का फर्स्ट देखूंगा यहां क्या लिखा हुआ है, B. ओके, तो बी किस प्रोडक्शन की वजह से आया होगा, इकलौता प्रोडक्शन है ये, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं. हम क्या करेंगे, ई और बी दैट इज दिस प्लेस, यहां पर क्या लिखेंगे, ई डिराइव्स बी. चूंकि यहां पर कोई एप्सिलॉन नहीं है इसलिए इसका भी फॉलो सेट यूजलेस है. ओके, सो दिस इज द आपका मीन्स कंप्लीट L1 पार्सिंग टेबल for this grammar, or you can say the language generated by this grammar. दोनों में अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, question कैसे भी करके पूछे. Okay, now come to our question. अगर ये matrix capital M है
तो एम एस डैश और ई, ओके एम एस डैश और ई, तो एम ये एस डैश और ई, मतलब इस सेल की बात हो रही है, ओके और दूसरा क्या है एम एस डैश और डॉलर, मींस इसकी बात हो रही है, एस डैश और डॉलर। तो आप देख लीजिए ये इनमें किसी में, तो पहले वाले में, इस वाले में, सब में, इनमें तीनों में सिंगल एंट्री दिखा रखी है, जबकि ये डी ऑप्शन में डबल, क्योंकि यहां तो दो एंट्री है, एस डैश डिराइव ईएस, एस डैश डिराइव एप्सिलॉन, ओके और यहां पर एस डैश डिराइव, देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक पॉइंट तो यहां पर ये हो गया। दूसरा पॉइंट है ये जो ग्रामर गिवेन है ये एक्चुअल में कौन सी ग्रामर है, मींस ये डैंगलिंग एल्स की ग्रामर है, जिसमें क्या कर दिया गया है, जो डैंगलिंग एल्स की एक्चुअल ग्रामर थी उसमें से क्या कर दिया गया, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर दिया गया है, ओके तो ये रिजल्टिंग ग्रामर बन के आई है, बट दिस ग्रामर इज स्टिल एम्बिगुअस, ओके और कहा जाता है, कहा मीन्स ऐसा कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि जो डैंगलिंग एल्स की ग्रामर है वो एम्बिगुअस है, तो जब उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इस ग्रामर का, तो वहां पर मीन्स जितने भी कंपाइलर हैं वो इस तरह से कोड करते हैं कि ऑटोमेटिक एम्बिगिटी को मीन्स रिजॉल्व कर दिया जाए, ओके मैं डैंगलिंग एल्स आपको पढ़ा चुका हूं ये मानते हुए बोल रहा हूं, तो एम्बिगिटी जब आती है तो ये सिनेरियो बनता है, ओके और कहता है कि अगर इसी के ग्रामर के लिए प्रेडिक्टिव पार्सिंग मींस प्रेडिक्टिव पार्सिंग आपको करनी है, और ऐसे प्रेडिक्टिव पार्सिंग करनी जिसमें एम्बिगिटी कोई ना रहे कभी, ओके तो कैसे मैनेज करेंगे, कहता है कि जब भी इस सेल के कुछ भी कंटेंट लेने की बारी आए, ओके जब भी किसी स्ट्रिंग को पार्स किया जा रहा हो और वो इस सेल की एंट्री को देख रहा हो, तो क्या करना है, हमेशा प्रायोरिटी देनी है कि वो क्या पिक करे, एस डैश डिराइव ई एस, ओके इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि द एल्स इज एसोसिएटेड विद द नियरेस्ट अनमैच्ड इफ, ओके और एम्बिगिटी रिजॉल्व हो जाएगी, ओके एंड दैट्स डन।